हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सो एसएससी जेई की तैयारी में तो आप सभी बच्चे लग चुके होंगे, ठीक है, और अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी प्लानिंग है ना, जो भी आपके सुटेबल है अपने अकॉर्डिंग आप कर ही रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे हमने बाकी सब्जेक्ट की एनालिसिस की है, वैसे ही एक सब्जेक्ट और लेके आ रहा हूं मैं, दैट इज अ मेजरमेंट एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 13 से 15 मार्क्स का यहाँ पे उसका वेटेज रहता है। तो यदि उसको सब्जेक्ट को समझना चाहते हो, जड़ तक समझना चाहते हो कि यार क्या क्या दिक्कत हो सकती है यदि हमने इस चीज का ध्यान नहीं दिया, तो आप इस सेशन में जरूर प्रेजेंट रहिएगा शाम को 9 बजे, ठीक है। आज मैं लेने वाला हूं वो सेशन। जैसे बाकी सब्जेक्ट की एनालिसिस हुई थी, जैसे आपका मशीन की एनालिसिस हुई, आपके पावर सिस्टम की एनालिसिस हुई, बेसिक इलेक्ट्रिकल की एनालिसिस हुई, वैसे ही सेम वे में हम यहां पे कंडक्ट करने वाले हैं मेजरमेंट। तो आज शाम को 9 बजे सभी बच्चे मिलिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक टॉपिक को हम यहां पे पकड़ेंगे। अब जब एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमें देखो यार कुछ चीजें हमें ये भी पता होनी चाहिए क्या चीजें नहीं पढ़नी है और क्या चीजें बहुत पढ़नी है, ठीक है। तो हर चीज को अच्छे से पोस्टमार्टम करते हुए एक एक चीज का हम यहां पे डील करने वाले हैं। बाकी आप अपने डाउट जरूर पूछिएगा, कुछ ऐसा हो सकता है कि आप अपनी जर्नी में इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन फेस कर रहे, तो कोरा में पूछने से अच्छा है कि रविंद्र जागीर सर से पूछ लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है, पूरे प्रॉपर पेपर की एनालिसिस मैं करके और लेके आ रहा हूं आप लोगों के सामने। सो मिलते हैं शाम को 9 बजे, सभी बच्चे प्रेजेंट रहिएगा और इस वीडियो को ज्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए, सो दैट बाकी बच्चे भी यहां पे अवेयर हो सके और उनको भी पता चल सके कि इस सब्जेक्ट का एनालिसिस बहुत ही अच्छे तरीके से आज होने वाला है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं शाम को 9 बजे। बाय बाय।